हेलो टॉरस एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ तारा। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो वीकली जोडियाक रीडिंग्स हैं और ये रीडिंग टॉरस के लिए है। सो सन मून राइजिंग किसी भी साइन में एप्लीकेबल है ये। और आज की रीडिंग का मैं आपको एक बार मैप बता दूँ, मैं एक थीम कार्ड पुल करने वाली हूँ और तीन टैरो कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं एक फॉर्चून कुकी से एक मैसेज के लिए कार्ड पुल करने वाली हूँ। मैं शफलिंग कैमरा पर ही करूँगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनर्जी, जब मैं शफल कर रही हूँ, आप अपनी एनर्जी अपने क्वेश्चन को या फिर जो भी सिचुएशन में आप हो उस चीज़ को दो, कॉन्सेंट्रेट करो, या फिर आप अपनी ब्रेथ पे भी ध्यान लगा सकते हो। अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन अगर आप सीधा जहाँ पर मैंने स्प्रेड ओपन किया है वहाँ पर जंप करें तो, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मैसेजेस टू टॉरस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। First week of August. So Taurus, आपका थीम कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल नंबर 39। वाओ, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आपके लिए आया है। आर्कएंजल गैब्रियल को कहा जाता है कि वो मैसेंजर हैं गॉड के। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत टाइम से विश कर रहे थे तो आर्कएंजल गैब्रियल को आप उनको पुकारो, आह्वान करना जो कहते हैं, उनका इन्वोकेशन करें और उनसे हेल्प मांगें कि आपकी जो भी ये डिज़ायर है, जो भी विश है, वो डिवाइनली रियलम तक वो लेके जाएं और आपकी ये विश पूरी ज़रूर होगी। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। कोई भी नेगेटिविटी अगर है किसी सिचुएशन के आसपास भी, तो आप क्या कर सकते हो कि यू कैन विजुअलाइज, दिस इज़ अ टेक्निक। आप विजुलाइज कर सकते हो किसी पर्सन से नेगेटिविटी आ रही है, किसी सिचुएशन से नेगेटिविटी आ रही है, आप विजुलाइज करो कि वो सिचुएशन में एक वाइट लाइट, डिवाइन की वाइट लाइट आके जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को प्योर वाइट लाइट से वो हील हो रही है, वो डार्क एनर्जी वाइट लाइट में बदल रही है, ठीक है? तो ये भी आपको हेल्प कर सकती है इस तरीके की एक विजुअलाइजेशन टू मेलो डाउन द क्रेजी। ओके, चलिए तो अभी देखते हैं कि टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टॉरस, थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मैसेजेस टू टॉरस फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट, फर्स्ट टू सेवेंथ ऑफ ऑगस्ट। आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ ट्रिगर्स या कुछ सिचुएशंस भेजी जा रही हैं कुछ टॉरस के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, टॉरस आपका फर्स्ट कार्ड है। एट ऑफ सोड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, मेजर आर्काना की एनर्जी है ये तो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस, ये दोनों और ये और इसके यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल हैं इस कार्ड में, इस कार्ड में भी हाथ ऊपर किए जा रहे हैं, इसमें भी हाथ ऊपर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना प्रे करने के लिए हाथ ऊपर करो। हो सकता है आपको किसी से रेकी सेशन लेने से बड़ी आपको हेल्प मिले, आपके आसपास जो भी कुछ नेगेटिविटी अगर है तो उसमें बड़ी हेल्प मिले। एंड बी वेरी ऑनेस्ट, आप हो सकता है किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, किसी तरीके से हाथ ऊपर है जैसे किसी के, ऐसे मांगने की सिचुएशन में या रिलीज करने की सिचुएशन में, ठीक है? तो जो भी आप प्रे कर रहे हो ना, आप आर्कएंजल गैब्रियल की जरूर मदद लो, जैसे मैंने इस कार्ड के साथ आपको कहा था। अगर कुछ भी हार्टेक जैसी सिचुएशन है, थ्री ऑफ सोर्ड जैसी सिचुएशन है जिसमें
पेनफुल सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी आपके हार्ट को अगर किसी चीज़ से दुख हुआ है उसके लिए अगर आप हीलिंग मांग रहे हो, पहली बात तो क्वीन ऑफ कप से इसका मतलब है कि हीलिंग भी आएगी, और आर्कएंजल गैब्रियल के कार्ड से आया है तो बिल्कुल वो हीलिंग यू नो डिवाइन आपको ज़रूर भेजेंगे। आप आर्कएंजल गैब्रियल को, उनको आप हेल्प के लिए पुकारो। अब ये जो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये सेल्फ रिलायंस का कार्ड है, जो कि मैंने आपको पहले भी मैसेज दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग को ये कॉल आउट किया जाएगा कि ये जो आपको लग रहा है ये सीरियसली बंधा हुआ है, ये कोई जो धागे हैं ये ऐसे खींचेगी तो टूट नहीं जाएंगे धागे, लेकिन उसको लग रहा है नहीं कोई आए कोई रेस्क्यू करे, तो वो रेस्क्यू नहीं, रेस्क्यू ठीक है, रेस्क्यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड रेस्क्यू के लिए आया है, जो कि आपको वापस से इमोशनल वेलबींग में लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के लिए कहा जा रहा है। आप मैं आपको बता दूँ कि आपने कहावत हमारे यहाँ बहुत फेमस है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, राइट, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, क्यों, क्योंकि भगवान या जो भी गॉड फिगर ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप अपनी पावर में आओ, आप अपनी पोटेंशियल और अपनी ताकत पहचानो। तो आई थिंक ये जो एनर्जी आई है ना आपके लिए, ये आपको वो रियलाइजेशन दिलाने के लिए आई है कि यू आर बिगर देन एनी प्रॉब्लम, आपका आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागे, आपका आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जागे, उस चीज़ के लिए एनर्जी आई है। ओके टॉरस, तो यहाँ पे कुछ लोगों को सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी ट्रू पावर को पहचानो ऑनेस्टी से, आपको अपनी लाइट डिम करने की ज़रूरत नहीं है टू यू नो अकोमोडेट एनीबॉडी एल्स, यू आर पावरफुल, आप शाइन करते हो, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, पीपल कॉम्प्लीमेंट, मे बी योर हेयर्स आर सो ब्यूटिफुल, मे बी द वे यू ड्रेस इज सो यू नो समथिंग वेरी वेरी जैसे कहते हैं ना क्लासी, एंड मे बी यू आर अ वेरी गुड ड्रेसर, इस तरीके का अगर आप है तो ठीक है यार, हमें अपनी लाइट को डायल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू मेक अदर्स फील के दे हैव समथिंग बेटर देन अस। ओके टॉरस, और ये जो सिचुएशन है ना, ये एक्चुअल में हो सकता है कि आपको ये सिचुएशन, ये क्योंकि मिरर रिफ्लेक्शन में शी इज लुकिंग के टाई डाउन है, वो एक्चुअल में तो टाई डाउन नहीं है ना, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपने इसको अपने माइंड में बना रखा है। कुछ लोगों का एक मेजर या तो लुक वाइज ट्रांसफॉर्मेशन आप कुछ करना चाहते थे, तो वो ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एक विंडो आपको देगा लुक वाइज अपेरेंस वाइज आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक सीड डालने के लिए। हो सकता है आपको ना लिटरली कुछ नेक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, अगर आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ऐसे नीचे फेस करके डाउन फेस करके आपको काम करना पड़ता है लैपटॉप पे डेस्क पे, आपका ऐसा काम है तो लिटरली आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट और ये नेक का मूवमेंट करो आप। अगर डांस जैसी कोई क्रिएटिव आर्ट है आपके पास तो आप जरूर उससे यू नो दोबारा आप उससे जुड़ो टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, टू फील गुड अबाउट द सिचुएशन। डांस या योगा या स्ट्रेचिंग, इससे क्या होता है जो भी स्टेगनेंट एनर्जी है ना बॉडी में कहीं भी फिजिकली, तो वो रिलीज हो जाती है, ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो कुछ एनर्जी वहाँ इस तरीके से हम रिलीज कर सकते हैं, है ना। हाथों का कुछ लोगों का बड़ा वो आ रहा है, हाथों से या तो आपका क्लैप कर रहा है कोई आपके लिए, कोई आपको यू नो जैसे करते हैं ना वेव, कोई वेव कर रहा है, तो बड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन आ रही है। आई डोंट नो आप एट ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में क्यों हो, बाकी चीज़ें तो बहुत ठीक लग रही हैं यहाँ पे, शायद इंटरनली हो, आप बाहर लोगों को दिखा रहे हो कि आप बहुत ठीक हो आप, हाँ, लेकिन शायद
मन में, दिल में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो है जो आपको पीड़ा दे रही है, आपको कुछ दर्द पहुंचा रही है। हो सकता है पेरेंट्स आउटर वर्ल्ड में आप ऐसे करते हो, आप दिखाते नहीं हो कि मेरे को भी परेशानी है कुछ। ओके, बट अगेन मैं आपसे कहूंगी ये सिचुएशन इतनी बेकार नहीं है, आप हेल्प मांगोगे तो हेल्प आपके लिए है। बी वेरी ऑनेस्ट। सेल्फ रिलायंस का तो आपको मैसेज है। मान लो लेट्स से कि आप भगवान जी से हेल्प मांग रहे हो, आप गॉड फिगर से हेल्प मांग रहे हो, तो वो आपको हेल्प देंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो खुद आते हैं, कोई आपको ऐसे दर्शन देते हैं, बट लोगों के थ्रू हेल्प करते हैं वो आपको। ठीक है, तो कुछ आप ऐसे लोग भी अट्रैक्ट कर लोगे कि फिर आपकी मदद करें। कुछ लोग अगर ये सिंगिंग बोल ले ना, इससे मेडिटेशन करें, सिंगिंग बोल मेडिटेशन यूट्यूब पे भी होती है, ज़रूरी नहीं आप परचेज ही करो, तो आप सिंगिंग बोल मेडिटेशन भी कर सकते हो। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लग रहा है सोलर प्लेक्सिस की, सोलर प्लेक्सिस और हार्ट। ठीक है टॉरस, तो ये कुछ टैरो से मैसेजेस थे। हाँ, वर्ल्ड से एक और मैसेज है कि कुछ लोगों को ट्रैवल करने का इस वीक में मौका मिल सकता है। कुछ लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए कुछ शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्चून कुकीज से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और आपका मैसेज है लव। मैंने कहा ना आप इस तरीके के लोग भी अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी मदद करें सिचुएशन में। और अगर ये सिचुएशन लव की थी जिसकी वजह से एट ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो आई थिंक इसमें हीलिंग लेके आ रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल, आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल। और अगर आप सोच रहे थे आप बड़े सेटिस्फाइड पोजीशन में हो, आप बड़ा गुड फील कर रहे हो, लेकिन आप कमिटमेंट से कहीं ना कहीं अगर डर रहे हो कि पता नहीं, आप घबराहट है कमिटमेंट की, आपका सामने वाला पर्सन, आपका पार्टनर कमिटमेंट से डरता है, तो नहीं, आपके लिए नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप का अनलॉक होने वाला है। मैं वही कह रही थी, यहाँ पे एनर्जी तो बड़ी सेटिस्फैक्ट्री सी आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पर्टिकुलर से, आई थिंक आप ओवर थिंक कर रहे हो। आप जो भी बात है ना ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो, जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक तो ना है ना, ये मैं कई बार कहती हूँ। और जब तक आप पूछोगे नहीं भाई, आपको पता कैसे चलेगा, आपको माइंड रीड थोड़े कर सकते हो। आप बात करो ना सामने वाले से, वो अपनी फीलिंग खुद बताएगा ना अपने मुंह से। आप क्यों पहले से पहले अंदाजा लगा रहे हो कि नहीं ये तो कुछ नेगेटिव ही होगा। नहीं, जो भी है ऑनेस्टली अपनी फीलिंग कम्युनिकेट करो, जो भी है। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे टॉरस आपके लिए टैरो से। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर इस तरीके का कंटेंट आप फ्यूचर में देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें, उनके लिए भी शायद कुछ मैसेजेस हों इस फाइल में, सॉरी इस रीडिंग में। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए कितने सारे मैसेजेस इस रीडिंग के रेजोनेट हुए हैं। थैंक यू सो मच टॉरस, एंड हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर, बाय।